तो आपका सवाल ये है कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? जी देखिए माँ, मोहब्बत ऐसी चीज होती है जो जो लॉजिक नहीं समझती। मोहब्बत? जी, जो मैंने आपको पहली बार अपने घर वालों के सामने सर झुकाकर निकाहनामे पर दस्तखत करते देखा था, तो खुदा की कसम सारी रात अंगारों पे गुजरी थी मेरी। लेकिन फिर मैंने ये सोच के खुद को समझा लिया था कि आप जैसी अच्छी लड़की में शायद डिजर्व ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा शायद मेरी हसरत की वजह से आपकी खुशियों को नजर लग गई। वो सब कुछ तो मेरी किस्मत में लिखा था। पता है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं आपको डिजर्व ही नहीं करता। तो फिर आपने रिश्ता क्यों भिजवाया मेरे लिए? वो प्रोफेसर साले के बेटे का जब से मैंने सुना है ना, दिल ने जिद लगा ली कि एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। ये फुल डिस्प्ले पे हो जाएगा। अब कितने लोग थे? 200 200 200। अच्छा, सर एक मिनट, उधर जाकर देखो तो कौन सी हीर राजा की कहानी शुरू हो गई है। तुम्हें बीच में ना वो कैदू बनने की जरूरत नहीं है, खुद फैसले कर सकते हैं अपनी जिंदगी के। तुम्हारा भाई मेरी बहन को डिजर्व नहीं करता। माशाल्लाह से इतनी वेल एजुकेटेड है, इंशाल्लाह 2-3 सालों में PhD की डिग्री मिलने वाली है उसे। मैं डिग्रियों के पैमाने में इंसानों को नहीं परखती। बिल्कुल, शऊर ना कागजी पुर्जों का मोहताज नहीं होता। हाँ, ये बात भी ठीक है कि डिग्रीज की अपनी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब यह है कि आप मास्टर्स की डिग्री के बगैर नहीं रहेंगे ना? आप एक बार हाँ कह दें, मैं मास्टर्स, PhD, MPhil, FCPRC, GKKW सब करने को तैयार हूँ। GKKW? घर के काम वगैरह वो तो वैसे ही कर लेता हूँ मैं। किसी कीमत पे हानि करेगी मेरी बहन तुम्हारे भाई के लिए? और मेरे भाई को भी इतनी आसानी से कोई इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? कौन से हीरे जड़े हुए हैं तुम्हारे भाई में? अपनी बहन से पूछ लेना जब बाहर आएगी। अच्छा, ओके।